बेसिकली गाइस मैं एक फोन कॉल का वेट कर रहा हूँ और जब तक वो फोन कॉल नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओह क्या टाइमिंग है ब्रो, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। तो टैक्स आ चुका है, फोन कॉल नहीं आया, तो टैक्स आ चुका है। तो टैक्स में लिखा है डियर बायर द प्रॉपर्टी द पेमेंट फॉर द प्रॉपर्टी हैज गॉन थ्रू, द हाउस इज नाउ योर्स। क्या बात है। तो गाइस आई फाइनली बॉट अ हाउस और इसका मैं टूर आज करने वाला हूँ। तो ये टूर होगा बिफोर, तो अभी उसके ऊपर बहुत काम करना है। नई किचन, नए बाथरूम, नए बेडरूम, नए सेटअप, सब कुछ एकदम नया लेना है। उसके ऊपर मुझे 3 महीने लगेंगे। तो ये एक बिफोर वीडियो है और मैं जब वो बन जाएगा तब मैं एक आफ्टर वीडियो करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये है मेरा अपना हाउस और दूसरा हाउस जो मैंने खरीदा है बहुत दूर है। लेकिन चलो मैं आपको इस जर्नी पर लेके जाता हूँ, बहुत मजा आएगा यार। जूते डालो, वो भी बिना जुराबों के। तो यहाँ से दरवाजा खोला और आपको मैं दिखाता हूँ कि गाइस घर हमारा कितना दूर है। बहुत रास्ता है यार, लिटरली बहुत दूर जाना है। तो यहाँ से निकले और ये रहा लिटरली गाइस साथ वाला घर है। बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो ये कूड़ा कचरा आप जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ऑलरेडी घर के अंदर था। तो पुरानी किचन, पुराने कबर्ड, पुराने बेड, वो सारा बाहर जाएगा और बाहर से भी पेंट करेंगे। ये सारी खिड़कियाँ भी चेंज करनी है, ऊपर छत भी चेंज करनी है, ये दरवाज़ा भी चेंज करना है। प्रीटी मच तरीखाना पड़ा यहाँ पर। ओके ले जाओ इसको कोई एनीवेज। तो प्रीटी मच आप जितनी भी चीजें यहाँ पर देख रहे हो सब चेंज करनी है हमको। तो गाइस एंट्री करते ही ये है हमारा जो मेन, क्या कहते हैं इसको यार, मतलब एंट्री। तो यहाँ पर आप जूते वगैरह उतार के, मतलब कि यहाँ पर जैकेट वगैरह रख के आप अंदर आओगे। तो अंदर आते ही ठीक यहाँ पे आपने जाना है लिविंग रूम में। इतना स्लो कैमरा मैन मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा। राइट, तो ये है गाइस हमारा लिविंग रूम। खिड़कियां वगैरह और बेसिकली कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे नया प्लास्टर लगेगा, अदर प्लास्टर लगेगा, ऊपर छत भी चेंज करनी है, नई लाइट लगानी है, नए सोफा वगैरह डालने हैं। ये है लिविंग रूम का दूसरा हिस्सा। ऑब्वियसली गाइस आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो पहले ये एक सेपरेट कमरा था, तो ये कमरा सेपरेट था, ये कमरा सेपरेट था। तो हमने ये दीवार तोड़वा के एक पूरा बड़ा कमरा बना लिया। अब आप मेरे को बताइए कि बैठने की कौन सी जगह है। मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि यहां पर बैठते हैं, यहां पर टीवी लगाते हैं। लेकिन घर वाले बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, वो बोलते हैं यहां पर बैठते हैं और यहां टीवी लगाते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कर रहा है। ये देख खामो सारा भी कर, मैं पिछले 3 घंटे से यही कर रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। पर एनीवेज, तो ये है हमारा गार्डन का दरवाजा। ये भी ऑब्वियसली चेंज कर चुके हैं, पुराना दरवाजा को मेरे हाथ लगाया तो वो नीचे पूरा गिर गया। तो गार्डन में गाइस बहुत ज्यादा गंद है, पिछले 3 बार हम ये गार्डन साफ कर चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा है तो जैसे ही साफ करते हैं हफ्ते डेढ़ में वापस निकल आता है। और पीछे जो स्पेस देख रहे हैं ना, वहां पर हम बनाने की सोच रहे हैं एक ब्रांड न्यू YouTube स्टूडियो, जहां पर मैं और लॉगी बैठ के वीडियोस बनाएंगे, प्रैंक्स भी करेंगे। तो यह घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है वहां पे और टोटल मतलब कि घर को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 10 या 12 वीक्स लगेंगे। तो ये एक बिफोर वाली मैं दिखा रहा हूँ और आफ्टर जब बन जाएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो इस तरफ आते ही आपने आ जाना किचन के अंदर। तो ये थी गाइज हमारी पुरानी किचन, तो कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये पुराने रेडिएटर्स है, ये भी फेंक देने हैं, नए रेडिएटर्स लगाएंगे। और यहाँ पे जाएगा फ्रिज, यहाँ पे जाएगा ओवन एंड माइक्रोवेव, यहाँ पे जाएगा हमारा वर्कटॉप, यहाँ पे आएगी गैस, यहाँ पे आएगा सिंक। और ये दीवार आप देख रहे हो ना, ये वाली, तो ये वाली दीवार तोड़ देनी है, यहाँ पे एक्सटेंड करके बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डांस कर रहा हूँ वीडियो में। ओके, तो बाहर एक्सटेंड करके हमने वहां पे एक्सटेंशन करनी है टॉयलेट एंड बाथरूम। और ये दरवाजा जा रहा है बाहर गार्डन को। और ये जगह जो है, जो ये रही, ये जगह हमने सेव करके रखी है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा वेस्ट स्पेस है। राइट देन, तो ऊपर चलते हैं। और दूसरी बात गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि स्टेयर केस भी चेंज करवा ले, बट आई डोंट थिंक ये गुड आइडिया होगा। और स्टेयर केस की मेन बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो है ये विंडो, बहुत सारी रोशनी इस विंडो से घर के अंदर आती है। राइट, तो ये है एक और, ये क्या है, कितने सारे तारे हैं यहाँ पर, बट एनीवेज। तो ये था एक और पुराना टॉयलेट, और तो यहाँ पर टॉयलेट था, यहाँ पर बाथ था। तो हम सोच रहे हैं कि ये सारा निकाल के इसको भी एक बेडरूम बना देते हैं। अंदर बहुत जगह है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम पूरा एक बेड डाल सकते हैं और यहाँ पर मतलब कि छोटा सा कबर्ड वगैरह, तो बहुत लिटरली बहुत जगह है। तो ये एक छोटा सा गेमिंग रूम भी बन सकता है। क्या ये,
ओके इस ये आई थिंक ये मेरा कमरा ना, तो ये है मेरा कमरा, बेसिक सा, मेरे को इतनी फैंसी फूंसी चीजें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बेड, यहाँ पर एक छोटा सा क्या कहते इसको, वार्डरोब, साइड टेबल, यहाँ पर एक छोटा सा साइड टेबल और कुछ नहीं, नथिंग। और यहाँ पर थोड़ी बहुत अलमारियां, और कमरे से सीधा आपका आता है गार्डन व्यू। सेकेंड रूम आता है, तो ये आई थिंक हमारे ब्रदर का रूम है, तो उनके रूम में ब्रो आपने कंप्यूटर में कभी आरजीबी लाइटें देखी हैं? कुछ भी नहीं है उनके रूम में, यहाँ लाइटें, वहां लाइटें, वहां लाइटें, बेड के नीचे लाइटें, बेड के ऊपर लाइटें, बेड के पीछे लाइटें, अलमारी खोलो लाइटें, अलमारी बंद करो फिर से लाइटें। तो उनको लाइटों का बहुत शौक है, तो उनका बेड भी यहीं पे जाएगा, साथ में टेबल, नहीं साथ में क्या करते उसको यार, बेड साइड कैबिनेट, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पे अलमारियां, और यहाँ पे रहते ही एक छोटी सी चेयर भी रखेंगे। तो बाहर में वगैरह देखना हो तो सिंपल, मतलब उनका ये रूम है, और साथ में आता है ये बॉक्स रूम छोटा सा, ये फिलहाल मैं डिसाइड नहीं किया ये किसका होगा, तो ये एक छोटा सा रूम है, तो एक बार ये फिर से सिंपल होगा, यहाँ पे बेड डाल दिया, यहाँ पे सोफा रख दिया, सोफा तो नहीं, यहाँ पे बेड साइड कैबिनेट रख दिया, यहाँ पे अलमारी लगा दी, तो सिंपल। तो फिलहाल गाइस घर के अंदर बहुत काम करना है, तो सारी चीजें निकली हुई हैं, तो ये फ्लोर बोर्ड तक भी निकले हुए हैं, तो इसके नीचे गाइस ये नए पाइप्स लगा रहे हैं, नई इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, और ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लगा है, क्रॉस यहाँ पे लगा है, एक क्रॉस यहाँ पे लगा है, और हर एक जगह पे आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बहुत सारे क्रॉसेस लगे हुए थे, ये इसलिए क्योंकि संडे को एक इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, तो ये देखो आप क्रॉस यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इस क्रॉस का मतलब है कि हमें यहाँ यहाँ प्लग चाहिए प्लग इन करने के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लग इतने ऊपर नहीं लगते, प्लग लगेंगे तो यहाँ पर लगेंगे, ये देखो मार्क भी लगा हुआ है प्लग का, तो प्लग नीचे लगते हैं। पर गाइस ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, और ऊपर एक छोटी सी एटिक है, वैसे ऊपर बहुत जगह है, लाइक ऊपर मतलब कि ये सारा घर मिला के ना ऊपर इतनी और जगह है, और हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि ऊपर क्या करना है, बहुत सारा काम है यार, तो टाइम लगेगा मेरे को एटलीस्ट 4-5 महीने तो नहीं, 3-4 वीक मेरे को लगेंगे, तो बहुत काम बचा है, लेकिन आई एम श्योर जब ये बन जाएगा इट विल लुक ऑसम। और ये है गाइस साइड की एंट्रेंस, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक वगैरह लेके आ रहा हूँ ना, तो साइड का दरवाज़ा खोल के पीछे बिल्कुल गार्डन के अंदर, और ये सब निकाला जाएगा, लिटरली इस सब कुछ निकालना है, तो ये गार्डन देख रहे हो, इसके नीचे दो मीटर तो नहीं, आई थिंक 1 मीटर खुदाई करनी है, वहाँ पर भी खुदाई करनी, तो सब कुछ लिटरली तोड़ दिया जाएगा। और अगर आपको मोर अपडेट्स चाहिए गाइस, मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ कि क्या अपडेट आया, तो यार जस्ट कीप एन आई ऑन स्टोरीज, और वहीं पर आपको तेरी भैंस की बंद हो जा, हमारा क्या जाता है, वैसे भी नया लेना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एवरीडे तकरीबन स्टोरीज वगैरह में डालता रहूं अपडेट क्या आ रहा है। तो यार स्टे ट्यून नए ब्लॉग के लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय यार।